ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज सेटिंग अ फायर योर मेक बिलीव वर्ल्ड। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान तुम्हारी मान्यताओं के जगत को भस्मीभूत कर देना है। मेक बिलीव वर्ल्ड, हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है, इसीलिए इस संसार में जितने लोग हैं उतने ही संसार हैं। एक ही संसार नहीं है, हर कोई एक ही संसार में नहीं रहता, सब अपने अपने संसार में रहते हैं, क्योंकि ये हमने मेक बिलीव वर्ल्ड बना लिया है। तो जब अतीत के बुद्ध ये बात कहते हैं कि संसार माया है, तो कई लोग इसमें उलझ जाते हैं, अच्छा ये पूरा संसार माया है, ऐसे कैसे माया है। लेकिन उनका अभिप्राय होता है कि जो तुम्हारा संसार है उसको तुमने ही अपने मन से रचा है, वो तुम्हारी अपनी मान्यताओं पर खड़ा हुआ संसार है। ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान है उस अपनी मान्यताओं से बने संसार को अग्नि को समर्पित कर देना, उसको जला देना, भस्मीभूत कर देना, और फिर वास्तविकता में रहना। ध्यान बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत प्रैक्टिकल घटना है। अक्सर होता क्या है, ध्यान के नाम पर भी एक उल्टी धारा यह बह जाती है कि ध्यान के नाम पर एक अलग मेक बिलीव वर्ल्ड व्यक्ति बना लेता है, वो होना नहीं। अब अध्यात्म और संसार के उलझाव को देखें। संसार को अपने उलझावों में घिरा हुआ हम मानते हैं, तो उससे हटकर परेशान होकर कोई अध्यात्म में चला जाता है। लोग लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल संसार से कुछ उल्टा काम करने लगा तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया। ध्यान सूत्र जिस बात को हमारे सामने रख रहा है वो इतनी स्पष्ट अंतर्दृष्टि है। वो सूत्र कहता है कि अगर हमने अध्यात्म में भी कुछ अपना मेक बिलीव वर्ल्ड, अपनी मान्यताओं का संसार बना लिया, तो वो भी अध्यात्म नहीं है। और ध्यान हम किसको कहते हैं, ध्यान हम उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को, उस एसेंस को कहते हैं, उस सार को जो अध्यात्म में प्रकट होता है। तो कोई मान्यता का जगत हमें निर्मित नहीं करना है। मान्यताओं के जगत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको हमें हटाना है। हटाना ऐसे है कि उनको बिल्कुल हमें भस्म ही कर देना है, जला ही देना है। जलेंगे कब, जब हमारी समझ की, सजगता की अग्नि उनको स्पर्श करेगी। पहले हमको उन्हें वैसा देखना पड़ेगा, हम देख पाएं कि ये वैसे हैं, ये जो संसार के सारे घटनाक्रम है, उनकी जो बनावट है, बुनावट है, वो सब हमारी मान्यताओं से बनी है, तो उसमें इतना चिपकना क्या। अक्सर लोग कहते हैं कि आसक्ति से हट जाओ। कैसे हट जाए व्यक्ति, आसक्ति से हटने के पहले उसे अपनी मान्यताओं के संसार से हटना पड़ेगा। हम अपनी मान्यताओं के संसार से हट गए तो आसक्ति का कोई मतलब ही नहीं। आसक्ति तो एक अज्ञान है कि पहले तो हमने अपने इस मेक बिलीव वर्ल्ड को पैदा किया, मान्यताओं के संसार को, और उसको बचाए रखने के लिए जो हम आयोजन कर रहे हैं वही आसक्ति बन जाती है। ध्यानी इसीलिए आसक्ति वगैरह की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट रूप से देख लेता है अपने इस सारे ढांचे को, आंतरिक ढांचे को। और जब आंतरिक ढांचा जो मान्यताओं पर खड़ा था वो विसर्जित ही हो गया, भस्मीभूत ही हो गया, तो आसक्ति पैदा होने कोई उपाय ही नहीं रह गया। अब जो बचेगा वो वास्तविक संसार होगा, जैसा है वैसा। संसार का या हमारे जीवन का एक अलग गुणधर्म है, बहुत ही अनूठा गुणधर्म है, लेकिन हमारे बिलीफ के कारण, हमारे इस मेक बिलीफ सिस्टम के कारण हम उसे नहीं देख पाते। वो गया तो संसार का, जीवन का वो वास्तविक सौंदर्य, उसकी वास्तविक उपस्थिति हमारे सामने प्रकट होगी। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है
कि अगर हमें ध्यान को जानना है तो हमको अपने मान्यताओं से बाहर आना होगा, और जो मेक बिलीव वर्ल्ड यानी कि मान्यताओं का जगत जो हमने बनाया है उसको अपनी समझ और सजगता की अग्नि में समर्पित करना होगा। सही अर्थों में देखा जाए यही हवन है और यही आहुति है कि हम अपने सजगता और ध्यान की अग्नि में अपने मान्यताओं के संसार की आहुति डाल दें। बस फिर जो बचेगा वही ध्यान है, वही सार है, और उस सार के साथ जब हम चलते हैं तो जितनी भी बातें नकारात्मक हमको बताई गई हैं बंधनों वाली, कोई बंधन फिर अपना काम नहीं करता, क्योंकि हर बंधन उस मेक बिलीव वर्ल्ड पर ही काम करता है, मान्यताओं के संसार पर। वास्तविक संसार पर कोई बंधन आरोपित ही नहीं होता। इसीलिए ध्यान परम मुक्ति है। पहले इसको हम जान लें, समझ लें, और जब ये आहुति हम डाल देंगे तो ध्यान का वास्तविक स्वरूप हमारे लिए प्रकट हो जाएगा। Thank you.